चलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे ओनियन पोहा जो 5 मिनट में तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फिर नमस्कार दोस्तों, आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही सादी सिंपल, जिसमें हम बनाएंगे पोहा। और जिसके लिए हमने पोहे को 3 पानी से धो के अच्छे से ले लिया है, सारा पानी निकाल दिया है। ली है सींग, 2 बड़े साइज़ के प्याज, 2 हरी मिर्ची और कढ़ाई में रख दिया है हमने तेल। तो सबसे पहले डाल देंगे इसमें राई, गैस को सिम कर देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें सींग, ये कच्ची मूंगफली है इसलिए उसको थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए फ्राई हो गई है 2 मिनट में क्योंकि तेल गर्म था। अब हम डाल देंगे इसमें प्याज, साथ में हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। 5 मिनट के अंदर हमारा पोहा बनके तैयार होता है। अगर आप आलू सब्जियां डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, पर मैं आलू नहीं डाल रही हूँ, बच्चों को और उनके पापा को बिना आलू वाला खाना है। तो ये 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तो अभी इसमें साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि प्याज हमारे अच्छे से जल्दी भून जाए। साथ में डालेंगे हम खूब सारा कड़ी पत्ता, ये घर घर का फ्रेश तोड़ा हुआ है और फ्रेश तोड़े हुए कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अभी हम कर देंगे गैस को फुल। कड़ी पत्ता पहले डालने से ज़्यादा जल जाता है इसलिए मैं पहले नहीं डालती हूँ, आप चाहें तो प्याज से पहले डाल सकते हैं। थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि हल्का 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 उसका कलर चेंज हो जाए। देखिए पोहा हमारा भीग गया है, उसको पूरा खोल लेते हैं अच्छे से। डालते हैं थोड़ा सा इसमें और नमक और बाकी पोहे के हिसाब से हम पोहे के ऊपर डालेंगे। लगभग 1 चम्मच हमने पोहे में डाला है। तो देखिए प्याज हमारे लगभग ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं, इसको और नहीं पकाना है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी और स्वादानुसार लाल मिर्च, ये मैंने आधी चम्मच डाली है, इसको मिला लेते हैं। गैस को करते हैं सिम, स्लो कर देंगे बिल्कुल, और साथ में डाल देंगे हमारा पोहा। तो देखिए गैस हमने स्लो ही रखा है, पोहा डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए ओनियन पोहा कितना ही सुंदर बन के तैयार हो रहा है और 5 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। गैस को थोड़ा मीडियम कर देंगे अब हम। देखिए है ना फटाफट झटपट बनने वाला, बहुत ही सादा सिंपल और टेस्टफुल वाला पोहा। तो चलिए तैयार है हमारा ओनियन पोहा, फटाफट से रेडी है 5 मिनट के अंदर खाने के लिए। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और आप भी मेरी तरह से बनाइए 5 मिनट में बनने वाला ओनियन पोहा।
तो चलिए मिलेंगे फिर अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय।